इस चैप्टर के मेरे ख्याल में लास्ट ये दो टॉपिक हैं, पेयर प्रोडक्शन एंड एनाइलेशन ऑफ मैटर। थोड़ा सा आज हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप विजिबल लाइट यूज़ करते हैं या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ये एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए बार बार ये मैं मेंशन कर रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक में हम कौन सी रेडिएशन यूज़ करते हैं। विजिबल लाइट भी कर सकते हैं और अल्ट्रा वायलेट भी कर सकते हैं। अगेन हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि मैटर ने फोटोन को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, फोटोन गायब हो गया और इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकल गए। अभी हमने क्वांटम इफेक्ट पढ़ा, इसमें हमने इससे ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन यूज़ की। कौन सी? एक्सरेज। इसमें हमने क्या देखा कि एक्सरेज अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को निकालने में सर्व कर देता है, लेकिन खुद गायब, खुद भी एक एनर्जी से मूव करता है रिमेनिंग एनर्जी, क्योंकि इसकी एनर्जी इन रेडिएशन से ज़्यादा है। फिर सबसे हायर एनर्जी की जो रेडिएशन है गामा रेज। गामा रे का फोटोन क्या होता है? गामा रे का फोटोन जब किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, सही है। कल हम डिटेल में देखेंगे। गामा रेज का फोटोन जब किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तो वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनाता है। पहले यार मेरी लैला मजनू की कहानी सुन लो, हैं लिखते रहना बाद में। पार्टिकल क्या? इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल क्या? पॉजिट्रॉन। फोटोन खुद गायब हो जाता है, यहाँ भी खुद फोटोन क्या हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट के नाम में भूल गया, इसलिए मैंने यहाँ डैश लिखा है, कल देख के आऊँगा, आपकी बुक में नहीं है। इन 1928 एक साइंटिस्ट था, पता नहीं डेरिक करके कुछ नाम था शायद, प्रोपोज दैट देयर एग्जिस्ट एंटी मैटर। उसने कहा कि हर मैटर का एंटी मैटर है, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल है। दिस मीन्स एवरी पार्टिकल एज एंटी पार्टिकल। और इसके चार साल बाद ही इन 1932 में एक साइंटिस्ट था, उसने पॉजिट्रॉन डिस्कवर कर लिया। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का POSI और इलेक्ट्रॉन का TRON, तो क्या बन गया? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पूरा नाम क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यानी इसका मास वही है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिट्रॉन को कहते हैं ये क्या? एंटी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके बाद प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन जो है वो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं। तो इससे उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यही फरमाया, किसी सूरत में अब मुझे याद नहीं है, सूरह पता नहीं कौन सी है, कि हमने इस कायनात को अजदाद से पैदा किया, जिद, हर चीज़ की जिद मौजूद है, ठीक है। तो वो रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब इससे मुराद क्या है आपको समझाने के लिए, सपोज़ कहीं आप अपने आप को मैटर कहें तो आपका एंटी मैटर कहीं मौजूद है कायनात में, सही है। अगर आप उस एंटी मैटर से हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं, इन यूनिवर्स देयर इज एन एंटी मैटर ऑफ यू। सपोज यू शेक हैंड विद, शेक हैंड का मतलब होता है हाथ मिलाना, जो हम अस्सलाम वालेकुम करते हैं, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? मैनेज हो जाएगा। यू, ये जो आपका आखिरी हाथ मिलाना होगा, यू योर लास्ट हैंड शेक, यू बोथ विल बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। हमें एंटी पार्टिकल्स नज़र नहीं आते, पार्टिकल नज़र आते हैं। वजह क्या है? जैसे ही एंटी पार्टिकल और पार्टिकल मिलते हैं दोनों एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, सही है। इसलिए एंटी पार्टिकल का लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है। पॉजिट्रॉन बनता तो है, लेकिन जैसे ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फोटोन में। तो इसका लाइफ टाइम जो है बहुत लिमिटेड है। तो अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ कि आप अपनी एंटी मैटर से मिले, तो उसको कहिएगा भाई दूर रहो। क्या करो? हाथ मिलाया, दोनों क्या बन जाओगे? एनर्जी बन जाओगे। साइंस ये कहती है, ठीक है, ठीक है। कल डिटेल में देखेंगे।